नमस्कार दोस्तों, राइजिंग इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप आगे देख सकते हो कि कैसे इमरान खान की एक और करप्शन ऑडियो लीक हो गई, जहां पर इमरान खान की बीवी बुशरा बीवी ने किसी बिजनेस टाइकून से 5 कैरेट डायमंड की मांग की। उसके बदले उनके सारे काम, सारे फाइल्स को अच्छी तरह पूरा करने का आश्वासन दिया। जहाँ पर इस ऑडियो में पाकिस्तान के बहुत बड़े बिजनेस टाइकून मलिक रियाज की होने की बात कही गई है, जहां पर मलिक रियाज ने इमरान खान की बीवी को 5 कैरेट डायमंड देने का आश्वासन किया। उसके बदले उनके सारे के सारे काम कंप्लीट हो जाने चाहिए, ऐसी बात की। जहां पर बुशरा बीवी ने यह सब एक्सेप्ट किया और कहा कि जब उनको डायमंड पूरी तरह मिल जाएगा तभी उनके सारे काम जो कि पेंडिंग है वो हो जाएंगे। तो ऐसे इमरान खान अपने 3 सालों में अपनी गवर्नमेंट चला रहे थे, जहां पर हर एक लोग इमरान खान के ऊपर आरोप लगा रहे कि इमरान खान घूस खा रहे थे, और ये बात अब सच निकली। ये ऑडियो बाहर आने के बाद तो क्या इमरान खान ऐसे ही पाकिस्तान को रियासत मदीना बना रहे थे? वीडियो बहुत ही अच्छी बनी है, ऐसी वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और आपकी राय देना बिल्कुल भी ना भूले कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद। तो व्हील्स कौन से होते हैं? एक मर्दाना आवाज है जिसको मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि मलिक रियाज की आवाज है। एक जनाना आवाज है यानी कि फीमेल वॉइस है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये उनकी बेटी की आवाज है। और वो जिन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो कि उस वक्त उनके साथ नहीं है, एब्सेंट है, उस कॉल में मौजूद नहीं है, लेकिन वो जो लोग हैं उसको मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा है कि वो इमरान खान हैं, उनकी बीवी बुशरा बीबी हैं, और इसके अलावा फराह खान या फराह गोगी, एक ऐसा मशहूर और मारूफ कैरेक्टर जिसके ऊपर हम देख रहे हैं कि पिछले चंद महीनों से बहुत बड़े बड़े करप्शन के इल्ज़ाम लग रहे हैं। तो वो बातचीत जो है वो कुछ इस तरीके से होती है कि मर्दाना आवाज़ जिसके बारे में कहा जा रहा है कि मलिक रियाज की है, वो उस तरफ से आवाज़ आती है हाँ, जबकि उनको फीमेल वॉइस ये कहती है हाँ जी, फ़ोन आया था उसका कि अंगूठी मंगवा लेना, मैंने वो अंगूठी मंगवा ली है, कह रही थी कि हफ्ते को मेरी मुलाकात है, इससे पहले अरेंज करवा लेना। मर्दाना आवाज़ तो मंगवा दो, फीमेल वॉइस कहती है कह दिया है अवैस को, कह दिया अम्मी ने परसों आ जाएगी। जवाब आता है कि तैयार करके अंगूठी मंगवा लेना। तो फीमेल वॉइस ये जवाब देती नहीं, वो कहती है हीरा मुझे मंगवा दो, मैं खुद अंगूठी बनवाऊंगी, जो पैसे बनेंगे मैं तुम्हें दे दूंगी, और वो तो मुझे दे देना। मैंने कहा ठीक है। मर्दाना आवाज़ कहती है ठीक है। फीमेल वॉइस ये बता रही है कि दूसरी बात यह है कि फरा ने उसको ये बताया है कि खान साहब का फ़ोन आया है, सुबह ताले आपके खुल जाएंगे साइट पर, जो साइट बंद हुई है, और जो रिपोर्ट जमा कराई है खान साहब ने कहा है मेरी गारंटी है, जो रिपोर्ट जमा कराई है इनके खिलाफ खान साहब ने कहा है मेरी गारंटी है मैं ख़त्म करवाऊँगा, बीबी रात को मुझे बताएगी क्योंकि मैंने पूरी चढ़ाई की है, मैंने कहा है एक काम नहीं हुआ फरा, देखो एक काम नहीं हुआ है, एक काम नहीं हुआ, इमरान खान ने भी 4 दिन ले लिए हैं, अभी तक लेटर नहीं आया, ताले भी लग गए हैं, रिपोर्ट भी जमा हो गई है, मैंने कहा अदालत में तो क्या बनेगा हमारा, मैंने कहा। ये फीमेल वॉइस सारा कुछ कह रही है, और ये तो बेटी उनकी अपने बाप को ये कह रही है कि अबू जी वो मुझे ये कह रही थी कि ये तुमने दिया क्या है खातून अव्वल को, तो आगे से ही पूछा गया कि तुमने पूछा नहीं था कि कितने कैरेट की चाहिए, तो वो जवाब देती है मैंने पूछा था, मैंने कहा कि मैंने तुमसे पूछा था, तो कहती है तुम कितने कैरेट की पहनती हो, तो मैंने कहा कि 3 कैरेट की, तो कहती है नहीं कम से कम उसे 5 मंगवा कर दो, देनी पड़ेगी। मेरी बीबी से बात हो गई है, कल लेटर तुम्हें लाजमी मिल जाएगा, खान साहब ने कहा है जिम्मेदार मैं हूँ, कल ताले खुल जाएंगे। हाँ जी फोन आया सी कि अंगूठी मंगवा ले, मैं मंगवा लेती है, तो मैं क्या कहने मैं हफ्ते रो मेरी मुलाकात है तो उसको पहले अरेंज कर दी। अच्छा दूसरी गल है खान साहब का फोन आया वे सुबह ताले टड़े खुल जाएंगे साइड से, मैं जी रिपोर्ट जमा कराई है खान साहब ने कहा मेरी गारंटी है मैं खत्म करावांगा, और लाल अकबर का लेटर भी कल रिपोर्ट भी जमा हो गई है, मैं अदालत में तो क्या बनेगा हमारा, मैंने कहा
तो कहती तुम पैनिक ना हो, तो फिर मैंने आप पे फोन आया कि बीबी आजमी मिलेगा। ये हफ्ते से पहले मुआ रही हूँ। अली तुम किसको अंगूठी दे रही थी? तूने अव्वल को तुमने दी क्या है? मैंने कह दी है तू कह रही कि तू पूछा नहीं थी पहले कितने कैरेट हो गए? मैं क्या, मैं तेरे को पूछा, मैंने कहा तीन, तुम कितना पहनते हो? मैंने कहा तीन के, तुमने कहा तीन ठीक है। कहती है नहीं 500 कम अज कम मंगवा के दो उसको। मैं क्या अच्छा, तो मैं मंगवालती से, मैं क्या ना वे भी पी जावे, मैं उन्हें मंगवालती है वापस, मैं क्या तन परसों मिल जाएगी और लेटर मैं कल दे दूंगा। हाँ ठीक है ठीक है, उन्होंने कोई अबू कहने का लेटर मैं तुम्हें भेज दूंगा। हाँ मैं आज पूरी चढ़ाई थी आके, मैं क्या मैं नहीं डिस्टर्ब हुई है, मैं सुबह ना रोई हूँ। मैं क्या अगर अबू की, अगर मेरी ये फीलिंग है तो अबू की कितनी फीलिंग है? मैं क्या जगह जगह अबू बंदे ट्रेस कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, मैं क्या और हर कोई लॉलीपॉप दे रहा है। मैं क्या कहती है ना पैनिक हो, मैंने दो तीन फोन उत्ते थले किए, मेरी बीबी ना गल हो गई, लेटर तेन कल लाजमी मिलेगा, सुबह ताले खुल जाएंगे, खान साहब ने कहा एयरपोर्ट का जिम्मेदार मैं, गल खत्म बस ठीक है। कुछ लोगों ने ये कमेंट्स भी किए कि आप क्यों जेलस हो रही हैं, अगर उन्होंने डायमंड उनको भेजा है तो आपके पास नहीं है तो इसमें ऐसी क्या बात है, आप जेलस क्यों हो रही हैं? तो मैं आपको बता देती हूँ, हमारे पास भी एक डायमंड मौजूद है, मैं जेलस बिल्कुल नहीं हो रही, लेकिन ये अलग बात है कि ये डायमंड जो है ये 1 कैरेट का है, जेलस होने की तो कोई बात ही नहीं है। आप बिल्कुल ऐसा मत समझिए, ये बात है कानून की, कानून के इस तरह के एक स्कैंडल जो कि कुछ दिन पहले आया था, कुछ दिन पहले ये खबर सुनाई दी थी कि 40 अरब रुपए, 40 बिलियन रुपीस इमरान खान की हुकूमत में मलिक रियाज को वापस दिए गए हैं, जो उनसे रिकवर किए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। एक ऑडियो जो है, ऑडियो लीक हुई है, मलिक रियाज जो कि एक कहना चाहिए कि टाइकॉन है पाकिस्तान में और लैंड ग्रैबिंग में बहुत नाम है मलिक रियाज का, और हर कोई जो है उसके आगे हाथ जोड़ के खड़ा रहता है। तो जी मलिक रियाज और उनकी बेटी के बीच में जो बातचीत हो रही थी उसकी एक ऑडियो लीक हुई है, और उसमें बात क्या हो रही है, पैसे मिलते होंगे उससे, और कहा यही जा रहा था कि जी कोई ना कोई जो है वो डॉक्यूमेंट साइन हो जाएंगे और इस किस्म की बात है। लेकिन खैर इसके बाद मलिक रियाज ने, एज यूजुअल जैसे पाकिस्तान में होता है, मलिक रियाज ने जो है एक अपनी तरफ से भी एक प्रेस रिलीज जो है वो दी है, और उसमें कहा यह गया है, उस बयान में ये कहा गया है कि जी मैंने तो ऐसी कोई बात ही कोई नहीं की, मैंने तो कुछ कहा ही कोई नहीं है, तो खामखा ये लोग मेरे पीछे पड़ गए, तो मैंने तो ऐसी कोई बात ही नहीं हुई, ये फेक है। लेकिन हम कह रहे हैं कि ये फेक नहीं है, मगर गवर्नमेंट जो है वो बार बार जो है वो इमरान खान और फारा गुगी और साथ साथ बुशरा बीबी के बारे में बातें कर रहे हैं, ये नहीं बता रहे कि जी जो 16-16 घंटे की लोड शेडिंग चल रही है जिसमें कि गर्मी भी बहुत है, तो उसका क्या हल है, इकोनॉमी के लिए क्या काम किया गया? ठीक है माना आपको बहुत थोड़ा टाइम हुआ है, अभी 6 वीक्स ही हुए हैं, तो बात सही है, समझ में आता है कि 6 वीक्स में आप लोग ऐसा कौन सा चमत्कार कर देंगे, लेकिन फिर भी जो भी काम करना है, चमत्कार करना है, उसके लिए आपको काम तो करना पड़ेगा ना। तो जब तक आप अपने ये फजूल की बातें नहीं छोड़ेंगे कि खान साहब क्या कर रहे हैं और खान साहब के घर वाले क्या कर रहे हैं, अगर आपके पास कोई सॉलिड बात है और आपके पास वाकई में सबूत मौजूद है कि इमरान खान और उनकी बीवी मिलकर करप्शन कर रहे हैं, जो कि मेरा भी ख्याल है कि कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है ना, मेरे ख्यालों पे मत जाया करें, मेरे ख्यालों में तो पता नहीं क्या क्या होता है, वो तो मैं आपको नहीं बता सकती ना। तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि अगर वाकई में आप लोगों को ऐसा लगता है, तो फिर आप सबसे पहले ये कीजिए कि आप उनके ऊपर केसेस बनाइए, उनको पकड़ के डालिए जेल में, और जेल भरो तहरीक शुरू कीजिए, बजाय इसके कि आप हर दूसरे दिन बैठते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के जो है ना लगड़ बगड़ बगड़ झगड़ करते हैं, वो करने के बजाय कोई ढंग का काम कीजिए, इसलिए कि पब्लिक बहुत परेशान है और पब्लिक को बड़ी उम्मीदें हैं कि आप जरूर कोई जो है अच्छा काम भी जो है वो करेंगे।